हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। इसे मैंने दो कलर से बनाया है, इस तरीके से देखिए। यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया है और ये देखिए बॉटम, ये 5 नंबर का साइज़ है और इसे मैंने 4 प्लाई की वूल से बनाया है और 11 नंबर की सिलाई यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये वाला पोर्शन बनाऊंगी, ये जो मैंने 3 लाइनें और 6 रोज़ बनाई हैं, तो इसके लिए मैंने 47 फंदे डाले हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये मैंने 47 फंदे डाले हैं और अब इसको मैं दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा ही बुनूँगी। ये मैंने फाउंडेशन स्टार्ट कर दी बनाना। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा ही बुनूंगी। तो मैं आपको ये 3 लाइनें जो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 3 लाइनें जो बना ली हैं, 1, 2, 3 और 6 रोज़ हैं। तो ये मेरा ऊपर का ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो। अब मैं इसके बाद इसमें कलर चेंज करूँगी, कलर वाइट लगाऊँगी, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, तो अब मैं यहाँ से ये वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, ये वाला। अब ये वाला इस कलर का कंप्लीट करके मैं वाइट कलर से अगली लाइन बनाती हूँ। तो देखिए किस तरीके से डिज़ाइन डलेगा। ये मेरी राइट साइड है, तो राइट साइड से मैं वाइट कलर की ऊन यूज़ कर रही हूँ। पहले 3 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी, इसको बाद में लॉक कर दूँगी। 2, 3, चौथा फंदा बगैर बुना उतारूँगी, फिर 3 फंदे बुन लूँगी, 1, 2, 3, फिर अगला फंदा मैं बगैर बुना उतार लूँगी, फिर 3 फंदे मैं फिर सीधे बुनूँगी, 1, 2, 3। ये राइट साइड है तो इधर सीधा बुना जाएगा। एक अगला फंदा ऐसे उतार लूँगी, फिर उसके बाद 3 बुनूँगी, 1, 2, 3, उसके बाद फिर मैं उतार लूँगी 1, फिर 3 बुन लूँगी, 1, 2, 3, फिर एक बगैर बुना उतार लूँगी, फिर मैं 3 बुनूँगी, 1, 2, 3। इस तरीके से मुझे पहले यहाँ पर 23 फंदे बुनने हैं। 23 फंदे मैंने बुन लिए राइट साइड के। अब इसके बाद मैं यहाँ से एक फंदा बढ़ाऊँगी, ऐसे एक फंदा इस तरीके से बढ़ाया, वाइट कलर से बुन ली तो वाइट कलर का एक फंदा मैंने बढ़ाया। यहाँ मैंने मार्कर लगा लिया ऐसे, मार्कर लगा लिया। इस फंदे को मैं बगैर बुने, ये बीच का है, 23 यहाँ है, 23 यहाँ है, ये 47 वाला जो फंदा है बीच का, मतलब 2400 फंदा, इसे मैं ऐसे ही बगैर बुने उतार लूँगी। उसके बाद फिर मैं एक फंदा बढ़ाऊँगी, मार्कर लगा देती हूँ इधर पहले ऐसे, फिर एक फंदा बढ़ाऊँगी मैं, ये इसी तरीके से एक फंदा ऐसे बढ़ाया। अब ये ब्लू कलर का जो बीच का सेंटर का फंदा है, दोनों तरफ इसके दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ गया है। फिर इसके बाद फिर 3 फंदे मैं वाइट के बुनूंगी, 1, 2, 3। तो ये ब्लू के आसपास 4 फंदे वाइट के हो गए हैं और एक ऐसे उतार लूँगी, फिर 3 फंदे बुनूंगी, 1, 2, 3, फिर एक ऐसे उतारा, फिर 3 फंदे बुन लिए,
फिर ये उतार लिया। चौथा फंदा हमें बगर बुना उतारना है, एक दो तीन, ये उतारा, एक दो तीन, ये बगर बुने उतारा, और फिर तीनों फंदे हम बुन लेते हैं। ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड देखिए कंप्लीट हो गई है। इसको पहले मैं लॉक कर देती हूँ उससे। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, ये देखिए ऐसे मैं रॉन्ग साइड पे बनाती हूँ। तो ये जो पहले तीन फंदे हमने बुने हैं इनको भी रॉन्ग साइड से सीधा ही बुनना है, ऐसे एक दो और ये तीन, तीन फंदे मैंने बुन लिए। फिर ऊन को आगे किया, उतारे गए फंदे को ऐसे ही उतार लिए सिलाई पर, ऊन को पीछे करके फिर तीन फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, एक दो तीन। फिर उनको अपनी तरफ आगे किया, इस फंदे को ऐसे ही उतारा और फिर उनको पीछे करते हुए तीन फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो और ये तीन। फिर इसी तरीके से उनको आगे किया, इस फंदे को उतारा और फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। फिर उनको आगे किया, इस फंदे को सीधे उतार लिया, उनको पीछे करके तीन फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, एक दो तीन। फिर उन आगे की अपनी तरफ फंदे को उतारा, रॉन्ग साइड से भी इस फंदे को हमें बगर बुना ही उतारना है, उनको पीछे किया फिर तीन फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। पहले तीन फंदे हम बुनेंगे ये वाले, उसके बाद जो हमने एक फंदा बढ़ाया था उसे भी हम सीधा बुन लेंगे इस तरीके से, इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेते हैं। ये चार फंदे हो गए, ये सेंटर के हैं, और मार्कर को उधर किया, इस फंदे को भी हमने ऊन को ऐसे अपनी तरफ लाए, ऊन को इसको उतारा, इस फंदे को ऐसे उतार लिया, ऊन को पीछे किया, मार्कर को उधर ले लिया, और इन चारों फंदों को भी सीधा बुन लेते हैं। ये तो फंदा बढ़ाया हुआ है, इसे सीधा बुनना है, और ये जो तीन फंदे हैं हमें सीधे बुनने हैं, तो चार फंदे वाइट के हो जाएंगे ऐसे, ये देखिए। और ऊन को आगे करके इसको उतार लिया, फिर ऊन पीछे करी और तीन फंदों को सीधा बुन लिया, फिर ऊन को आगे किया, उतारा फंदे को, फिर तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए, उसे उतारा, तीन फंदे बुन लिए। ये देखिए ये रॉन्ग साइड से ये रो भी कंप्लीट हो गई, एक सीधी और एक उल्टी बुननी है एक कलर से। तो इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे और हम अब ब्लू कलर से बुनेंगे। तो जो हमने तीन फंदे बुने हैं उनमें से जो बीच का फंदा है इसे हम बगर बुना उतारेंगे, और आसपास के इसके बाद जो तीन फंदे आएंगे इन्हें सीधा बुन लेंगे, फिर बीच का फंदा उतार लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं बताती हूँ, पहला फंदा हम ब्लू बुनेंगे, ये देखिए ब्लू कलर का बुना, फिर इसको उतार लिया, फिर अब तीन फंदे ब्लू कलर के बुनने हैं, एक इस फंदे को भी बुना जाएगा, दो तीन, ये देखिए। फिर अगले फंदे को मैं उतार लेती हूँ, फिर तीन फंदे ब्लू कलर से, एक दो और ये तीन। चौथा फंदा उतार लिया, तीन फंदे ब्लू कलर से, फिर उतार लिया, फिर तीन फंदे ब्लू से, तीन, फिर उतारा, फिर तीन फंदे ब्लू कलर से, फिर उतारा, दो फंदे हम ब्लू कलर से बुनेंगे। ये देखिए इसके बाद एक फंदा इसमें हम बढ़ा देंगे, ये देखिए मार्कर को इधर ले लेंगे,
क्योंकि ये सेंटर का फंदा है, इसका ध्यान रखना, इसके आसपास दोनों तरफ से फंदे बढ़ेंगे। अब हम ब्लू कलर से क्या करते हैं कि ये जो बीच का फंदा है इसे हम सीधा बुन लेते हैं। अब हमें उतारना नहीं है इस फंदे को, ब्लू कलर की जब भी लाइन बनाएंगे तो सेंटर का फंदा ये वाला बुन लिया जाएगा। इस तरीके से ये बुन लिया मैंने, और इस मार्कर को इधर लेके एक फंदा फिर यहाँ बढ़ा दिया, तो दोनों तरफ ही एक एक बढ़ गए यहाँ से। अब ये देखें, तो दो फंदे मैं ब्लू से बुन लेती हूँ, एक और ये दो, और ये फंदा उठेगा उतरेगा ऐसे, और ये तीन फंदे हो जाते हैं तो हम ब्लू कलर से बुन लेते हैं, एक दो तीन, ये उतारा है, ये ब्लू, ये उतारा, ये ब्लू, ये उतारा और ये ब्लू, ये उतारा, ये ब्लू। हर सिलाई में तीन फंदे, या तो अगर ब्लू बना रहे हैं तो ब्लू बनेंगे, अगर वाइट बना रहे हैं तो वाइट से बनेंगे। ये उतार लिया, एक फंदा ब्लू, ये देखिए राइट साइड कंप्लीट हो गई इसकी। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, ये देखिए फर्स्ट फंदा ब्लू है तो हम इसे सीधा बुनते हैं, ये ऐसे बुन लिया। ये हमारा उतारा हुआ फंदा है तो हम इसे उतार लेते हैं, ऊन को आगे किया, इस फंदे को उतारा, ये रॉन्ग साइड है तो, और फंदे को ऊन को पीछे करते हुए ये तीन फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, एक दो तीन, फिर ये उतारे हुए फंदे को उतार लेते हैं, ऊन पीछे की और तीन फंदे सीधे, दो तीन, फिर ऊन आगे की, फंदा उतारा, तीन फंदे सीधे, फिर उनको आगे किया, फंदा उतारा, तीन फंदे सीधे, फिर उन आगे करके फंदे को उतारा, उसके बाद तीन फंदे सीधे, उन आगे की, इस फंदे को उतारा, और बाकी ये देखिए तीन फंदे अब सीधे, एक दो, और ये फंदा हमने इसको बढ़ाया था तो इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे, तीन हो गए। अब हमारा ये जो बीच का फंदा है इसे हमने उल्टी सिलाई पर उल्टा बुनना है, इस तरीके से, और सिर्फ ब्लू कलर से ही बुनना है, और बाकी ये वाले फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे, एक दो तीन, इसको उतारा और फिर तीन फंदे सीधे, एक फंदा उतारा, तीन फंदे सीधे, ऊन आगे करके इस फंदे को उतार लिया, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक दो तीन। ये देखिए ब्लू कलर से दो रो मैंने बना ली है, ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड पे फिर मैं वाइट कलर से बनाऊंगी। वाइट कलर में जो सेंटर का फंदा है बस हमें उसे बगैर बुना उतारना है, और ब्लू कलर में सीधी तरफ से भी बुना जाएगा, उल्टी तरफ से भी, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, बस ये ध्यान रखना है इसमें, बाकी तो सेम ऐसे ही बनेगा। तो मैं आपको एक बार फिर वाइट कलर का बना के दिखाती हूँ। अब हम तीन फंदे वाइट कलर के बनाएंगे, एक दो तीन, अगले फंदे को उतार लेते हैं, फिर तीन फंदे वाइट, फिर अगले फंदे को उतार लेंगे, फिर तीन वाइट, उस फंदे को उतार लेंगे अगले को, फिर तीन वाइट, और हर सेंटर का जो फंदा है उसके आसपास एक एक फंदा बढ़ेगा,
जब तक कि हमारी लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती। मुझे ज़रा अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं अपने बगैर उसके आइडिया से बना लूँगी। आपको मैंने समझाने के लिए मार्कर लगाए हैं। अब ये देखिए, एक फंदा सीधा बुन लिया, ये सेंटर का फंदा है। इससे पहले एक फंदा हम बढ़ाएंगे, ये देखिए ये वाला, और फिर इस सेंटर के फंदे को हम ऐसे उतार लेते हैं। मार्कर को मैं हटा देती हूँ अभी। फिर इसके बाद एक फंदा और बढ़ेगा। दोनों तरफ से ध्यान रखना है, सेंटर के फंदे के आसपास एक एक फंदा बढ़ेगा इस तरीके से। अब एक फंदा मैं बुन लेती हूँ, बस इनका ध्यान रखना है। ये बीच का जो वाइट आएगा, आसपास के दोनों मिला के तीन हो जाएंगे, तो तीन फंदे वाइट बुने जाएंगे और एक फंदा ये उठा लिया जाएगा, ऐसे उतार लिया जाएगा। अब ये देखिए तीन आ गए ना, इनको तीनों को मैं वाइट बुन लेती हूँ। इसको उतार लिया, फिर तीन वाइट, ऐसी ब्लू वाली लाइन में भी यही ध्यान रखना है। दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। देखिए इस तरीके से इस सेंटर का फंदा हमें इसका आप अपने हिसाब से ध्यान रख सकते हैं, या तो मार्कर लगा के या फिर जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही। तो देखिए अब ये राइट साइड हो कंप्लीट हो गई वाइट की। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, रॉन्ग साइड पे भी इसी तरह बनाना है। उसके बाद एक बार मैं ब्लू कलर का और बताऊँगी आपको, ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ यहाँ तक। एक और पहले मैं दिखा देती हूँ, तीन फंदे सीधे, ये रॉन्ग साइड है, वाइट कलर की ऊन से बुन रही हूँ ऐसे। ऊन को आगे किया, इसको ऐसे उतार लिया, फिर ऊन पीछे करके तीन फंदे सीधे, ऊन आगे की, फंदे को उतारा, फिर तीन फंदे सीधे। ये बढ़ाया वो फंदा है, ये देखिए सेंटर पे आ गए हम। ये जो हमने फंदा बढ़ाया था, इसे हम सीधा बुन लेते हैं, और ये सेंटर का जो ब्लू वाला ब्लू कलर का फंदा है, हम उसे यूं ही उसे अच्छा रॉन्ग साइड से उनको आगे किया, इसे उतार लिया, और फिर उनको पीछे करते हुए हमने ये वाले दो वाइट बुना लेंगे, एक दो। फिर उनको अपनी तरफ किया, इसको उतारा, और इसको तीन फंदों को बुन लिया, फिर ऊन को आगे किया, इस फंदे को उतारा, और फिर तीन फंदे बुन लिए। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई, ये तीन मैंने बुन लिए सीधे फंदे, ये देखिए रॉन्ग साइड होगी कंप्लीट। अब राइट साइड पर कलर चेंज होगा, तो देखिए एक बार और मैं बता देती हूँ ब्लू कलर से। फर्स्ट फंदा ब्लू, एक फंदा ब्लू का बुना, अगला फंदा उतार लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बीच के फंदे को देख के एक दो तीन, तीन हो जाते हैं ब्लू, एक दो तीन, फिर एक उतार लिया, फिर तीन ब्लू, फिर अगला फंदा उतार लिया, एक दो
तीन, फिर अगला फंदा उतार लिया, एक दो तीन उतार लिया, एक दो तीन फिर उतार लिया, एक दो तीन फिर उतार लिया। अब हमारा ये सेंटर वाला फंदा आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि सेंटर वाला फंदा जब आएगा तो उसके आसपास एक एक फंदा बढ़ेगा। इस तरीके से मैं एक फंदा यहाँ बढ़ा देती हूँ, ये बढ़ा दिया मैंने, और फिर ब्लू कलर की लाइन हम जब बुनते हैं तो इस फंदे को सीधी तरफ से सीधा बुनूंगी, और फिर एक फंदा बढ़ा दिया ऐसे, दोनों सेंटर के जो फंदे के आसपास मैंने एक एक बढ़ा दिया है, और एक फंदा ये उठा लिया, और फिर ये तीन ब्लू हो जाएंगे। यह राइट साइड मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी रॉन्ग साइड और दिखा देती हूँ एक बार बना के, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए, जो पहला फंदा हम सीधा बुन लेते हैं, रॉन्ग साइड है ये, उनको पीछे अपनी तरफ करा, उसको उतारा, उनको पीछे किया, तीन फंदे सीधे, तीन उनको अपनी तरफ किया, फंदे को उतारा, उनको पीछे किया, फिर तीन फंदे सीधे। अब ये देखिए, ये सेंटर का फंदा आ रहा है ना, अभी इसके बाद ये वाले फंदे तो उठाने वाला है। उतार दिया मैंने, बगर बुना उतार दिया, उनको पीछे किया, पहले जो ये फंदा बढ़ाया हुआ है इसको मैं सीधा बुनती हूँ, और ये जो बीच का फंदा था हमारा इसको मैं उल्टा बुनूँगी, रॉन्ग साइड से उल्टा ही बुना जाएगा, बस ये ध्यान रखना है इसमें। उनको पीछे किया, पहले ये जो बढ़ाया हुआ फंदा था इसे सीधा बुनती हूँ, उनको अपनी तरफ किया, इसे उतारा, और फिर तीन फंदे सीधे। इस तरीके से हमें जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से हमें वहाँ तक बनाना है, और सेंटर के जो फंदा है उसके दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेंटर का पोर्शन है, ये सेंटर वाली लाइन इसी तरीके से बनती जाएगी, और ये हमें यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह बार ये डिज़ाइन बनाना है। वाइट कलर के 13 टाइम आएगा ये ऐसा, और इसी तरीके से ये ब्लू कलर का भी। तो इतनी मैंने लंबा वो इसकी जो ऊंचाई रखी है इतनी, आप अगर बड़ा बनाना चाहती हैं तो और भी इसको बढ़ा सकती हैं। ये 5 नंबर के साइज़ के लिए इतना सही है बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और ये फंदे इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से ये वाली जो बीच वाली ये लाइन आ रही है ऐसे ही आएगी,
और आसपास फंदे बढ़ते जाएंगे, तो मैं इतना पोर्शन आपको बना के दिखाती हूँ। ये जो वाइट कलर की 13 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी ना, जैसे अब दो हुई हैं, मुझे 13 बनानी है। अब इसके बाद मुझे 11 बनानी है, तो जब 11 बन जाएंगी तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और सेंटर का मैंने आपको ये बता ही दिया, इसको ध्यान रखना है कि आसपास दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ेगा। वाइट कलर का जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें बगर बुना उतारना है सेंटर का फंदा। अगर हम ब्लू कलर से बनाते हैं तो राइट साइड से सीधा बुना जाएगा सेंटर का फंदा, और रॉन्ग साइड से उल्टा। बस इसमें ये ध्यान रखना है। तो फिर मैं आपको ये इतना कंप्लीट करके इतना फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा इतना ये कंप्लीट हो गई है। ये पूरा इस ऊपर का ये वाला पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मैंने बना लिया है। देखिए, अब मैं इसके बाद वाइट कलर के उनको मैंने कट कर दिया है, और अब सारा जो सोल वगैरह सोल बनेगा और हील बनेगी ये ब्लू कलर से ही बनेगी। तो अब मैं ब्लू कलर से ये बनाऊंगी। पहले मैं दो ये बताती हूँ आपको, ये सारे फंदे मैं ब्लू कलर से बना लेती हूँ पहले। अब हमें कोई भी ये वाला डिज़ाइन नहीं डालना है, सारा ब्लू कलर से सीधा सीधा बुनना है। उसके बाद एक लाइन फिर मैं रॉन्ग साइड से लाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अब मैं ब्लू कलर से बुनती हूँ, इसको मैं लॉक कर लेती हूँ ज़रा। एक सिलाई सीधी तरफ से और एक सिलाई उल्टी तरफ से करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने दो रो ब्लू कलर से बना ली है। अब तीसरी रो में मुझे क्या करना है, ये बीच के 7 फंदे से जो सोल है वो शुरू करना है। 7 फंदे बीच के छोड़ के बाकी जो फंदे हैं आधे इधर कर लूँगी, आधे इधर कर लूँगी। इस तरीके से देखिए, यहाँ से ऐसे इस तरीके से आ जाएगी ये शेप। तो मैं 7 फंदों से शुरू करती हूँ बीच का। पहले मैं ये फंदे बुन लूँ। ये देखिए, ये 7 फंदे हमें रखने बीच में पहले, जो हम सोल के लिए स्टार्ट करेंगे आगे से। देखिए 1, 2, 3 और बीच का ये है 4, 5, 6, 7। इधर तक हमें बुनना है, बाकी ये फंदे हमें छोड़ देने हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमें बीच के रखने हैं अभी, और इनको इन फंदों को अभी हमें छोड़ देना है। इसको टर्न कर लेते हैं हम इस तरीके से, और ये देखिए, पहले हम 7 फंदे ही बुनेंगे।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। सात फंदे हमने बीच में रख लिए और बाकी फंदों को आधे इधर कर लिए, आधे इधर कर लिए। अब हमें ये टर्न करना है। अब ये देखिए, सात फंदे में बुनती हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात फंदे बुन लिए। अब यहाँ से हमें एक फंदा और बुन लेना है, तो बीच में आठ फंदे हो गए। इसको टर्न किया और आठों फंदों को बुन लिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अब इस तरफ से भी एक फंदा हम बुन लेते हैं, तो ये नौ हो जाते हैं। नौ बुनने के बाद हम इसे टर्न कर लेते हैं। अब इन नौ फंदों को बुन लेते हैं हम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। नौ के बाद इस सिलाई से भी एक फंदा बुन लेते हैं, तो ये टोटल दस हो जाएंगे। दस बुनने के बाद फिर इन्हें टर्न कर लेते हैं। अब दस फंदों को बुन लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दस फंदे बुन लिए, फिर इधर से एक फंदा और बुन लेते हैं, तो ये टोटल ग्यारह हो जाएंगे। सिलाइयों को टर्न किया। अब हम ग्यारह फंदों को बुन लेते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। इस सिलाई से फिर एक फंदा बुन लेते हैं, तो ये बारह हो जाएंगे। फिर हम टर्न कर लेते हैं, बारह फंदों को बुन लेते हैं, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। फिर हमें इस सिलाई से एक और फंदा बुन लेते हैं। अब ये तेरह हो गए। सिलाइयों को टर्न किया, इन तेरह फंदों को बुन लेते हैं हम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, ये तेरह। फिर सिलाई से एक फंदा बुन लेते हैं, तो ये चौदह हो जाते हैं। और सिलाइयों को टर्न कर लेते हैं। अब हम इन फंदों को, चौदह फंदों को बुन लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और एक पंद्रह। इधर से हम एक फंदा और बुन लेते हैं, तो अब टोटल बीच के जो हम सोल बनाएंगे, पंद्रह फंदे रखने हैं। अब हमें यहाँ से बुनना नहीं है। अब हम यहाँ से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे और सेंटर के हमें पंद्रह ही रखने हैं। तो देखिए, इस तरह से टर्न कर लेते हैं इसको। अब ये देखिए, पंद्रह इन फंदों को मैं बुनती हूँ पहले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह फंदे बुनने के बाद पंद्रहवें फंदे को हम इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए दो का एक कर लेते हैं। अब हमें घटाना, ये एक फंदा घट गया और ये पंद्रह के पंद्रह रह गए। इस तरीके से टर्न कर लिया। अब दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ,
नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह फंदे हमें बुनने हैं और पंद्रह फंदे को इसके इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए दो का एक कर देना है। इस तरीके से ये दोनों तरफ से एक एक घटता जाएगा। एक बार और मैं बता देती हूँ, ये देखिए, एक चौदह फंदे बुनने के बाद पंद्रहवें फंदे को हम सिलाई के दूसरी सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए दो का एक करना है और इस तरीके से हील तक हमें ये घटाने हैं। जब तक हील का पोर्शन आ जाएगा तब तक हम दोनों तरफ से घटाते रहेंगे। ये देखिए चौदह फंदे घटा दिए, अब पंद्रहवें फंदे के साथ इस फंदे को मिलाते हुए दो का एक कर देना है। सिलाइयों को टर्न किया इसी तरीके से, ये देखें दूसरी तरफ से। एक बार और मैं बता देती हूँ, ये देखिए चौदह फंदे बुनने के बाद पंद्रहवें फंदे को हम दूसरी सिलाई के पहले फंदे से मिला के दो का एक करना है। तेरह चौदह और ये पंद्रहवा फंदा है, अब हमें इसे इस फंदे के पहले फंदे से मिलाते हुए दो का एक करना है। इस तरीके से ये सोल बनता जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से सोल बनता जाएगा। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से घटाते हुए यहाँ तक लाने हील तक, जब तक दोनों तरफ के सारे फंदे घट जाएंगे, फिर उसके बाद हील का ये पैटर्न मतलब ये घटना शुरू होगा। मैं वो बाद में बताऊंगी आपको। यहाँ तक जब तक दोनों तरफ के फंदे घट जाते हैं तब तक मैं आपको पूरा करके बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक अब ये देखिए दोनों तरफ दो दो फंदे रह गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से पूरे, ये देखिए इस फंदे को इसके साथ मिला के ऐसे मैं कर देती हूँ। ये एक घट गया, अब एक 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 इस तरफ रह गया और दो इस तरह। अभी बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस फंदे को भी इसके साथ मिला के घटा देती हूँ, दो का एक कर देती हूँ। अब ये देखिए दोनों तरफ एक एक फंदा रह गया है, मैं इसे भी घटा के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये लास्ट फंदा इसके साथ मिलाते हुए घटा देते हैं। ये इधर का पूरा कंप्लीट हो गया, फंदे घट गए हैं। अब मैं फिर दिखाती हूँ इसको, ये देखिए इस साइड का भी लगी है लास्ट फंदा, इसे मैं दो का एक कर देती हूँ। ये देखिए तो अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फंदे घट गए हैं। ये हिस्सा हील का है, ये सोल का, ये देखिए
दोनों तरफ से फंदे घटा दिए, यहाँ से यहाँ तक फंदे घटा दिए। अब ये हिस्सा हील का बनेगा, ये जो है ये देखिए इस तरीके से, ये जो है ये हील का हिस्सा है। तो अब इस हिस्से को, इसको मैं बनाती हूँ अभी, पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लूँ, फिर उस इसके बाद मैं बताती हूँ ये कैसे बनेगा। तो ये देखिए, अब मैं इसको पहले बुन लूँ, हमारे यहाँ भी 15 फंदे रह गए हैं। अब ये देखिए हील का पैटर्न, हील का पोर्शन बनेगा इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से। ये देखिए, देखिए जब ये दो लास्ट के फंदे रह जाते हैं तो मैंने घटा देती हूँ ऐसे, 15 में से दो घटा दिए, एक रह गया। अब मैं इधर से एक फंदा उठा लेती हूँ, ये देखिए ऐसे उठते जाएंगे साइड से, ये देखिए एक फंदा उठा लिया। अब इसको टर्न कर लिया, अब इनको फिर मैं बुन लेती हूँ इस तरीके से। अब दोनों तरफ से मैं एक एक फंदा, लास्ट में तो मैं घटाती जाऊँगी दोनों तरफ से, और दोनों ये साइड हैं जो, इनमें से एक एक फंदा उठाती जाऊंगी। ये देखिए ये लास्ट के दो फंदे रह गए, इसे मैं घटा देती, ये दो का एक कर देती हूँ इस तरीके से। इधर के घट गए, अब मैं इसको टर्न करती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ का फंदा इस तरीके से बढ़ाती हूँ, इधर से ऐसे इसको मैं ऐसे बढ़ा लेती हूँ, और अब मैं इन फंदों को बुन लेती हूँ। तो एक एक फंदा दोनों तरफ से उठाती जाऊँगी, और लास्ट के दो फंदों का एक करती जाऊँगी, मतलब एक घटता जाएगा एक उठता जाएगा। तो इस तरीके से हील का पैटर्न, हील का ये पोर्शन बनता जाएगा। ये देखिए दो फंदे हैं लास्ट के, इन्हें मैं दोनों को एक साथ मिलाते हुए घटा देती हूँ, दो का एक बन गया। अब यहाँ से मैं एक फंदा फिर उठा लेती हूँ ऐसे, और इसको टर्न किया इस तरीके से। ये देखिए इसको फिर मैं बुन लेती हूँ, ये देखिए इधर से फिर मैं दो का एक कर देती हूँ। जिस साइड से मैं घटाऊँगी उसी साइड से फिर एक फंदा उठा लेना है, टर्न करने इसे इस तरीके से उठाना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से मैं उठा लूँगी इसको इस तरीके से। ये देखिए अब इन फंदों को मैं बुन लेती हूँ। तो इसी तरीके से ये मैं बुनती जाऊंगी दोनों तरफ से, 15 फंदों में से जो मैं बुनती हूं, तो उसमें से लास्ट में जो दो फंदे रह जाते हैं उसका एक कर दूंगी, मतलब एक घटा दूंगी, और उसी साइड से एक फंदा उठा लूंगी। तो यही इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी ऐसे। ये लास्ट के दो फंदे मैंने दो का एक कर दिया, और इसी से देखिए एक फंदा मैं बढ़ा लेती हूँ, उठा लेती हूँ, तो एक ये 15 हो गए पूरे फंदे। ये हील का हिस्सा बनता जा रहा है इस तरीके से। देखिए ये देखिए दो फंदे हैं, इन्हें मैं इस तरीके से घटा देती हूँ, और इसको ऐसे कर लेती हूँ, और यहाँ से फिर मैं एक फंदा इसी साइड से उठा लेती हूँ इस तरीके से। ये देखें तो इस तरीके से ये हील बनती जाएगी, और इसको मैं बुन लेती हूँ
ये देखिए हील का ये हिस्सा बनने लगा, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये बनने लगा हील का। तो मैं इसको यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा के फिर मैं बताती हूँ आपको इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से बनेगी ये शेप, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इधर तक मैं बना के, इधर तक ये बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हील का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इन फंदों को, जो ये 15 फंदे हैं, इन्हें बंद कर देती हूँ। वो देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ और ये मेरा सॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। तरीके से ये बंद होते जाएंगे तो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये कंप्लीट हो गया, देखिए